बीजेपी से निष्कासित होने के बाद छलका हरक सिंह का दर्द, कहा सोशल मीडिया पर चली खबर को आधार बनाकर बीजेपी ने लिया इतना बड़ा फैसला। तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा, बिना समझे हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा। बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल, कहा कांग्रेस में नहीं गया तो अभी उसकी जीत के लिए काम करूंगा। तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा, बिना समझे हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा। हरक सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी का जवाब, कहा पार्टी पर अपने लिए और परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहे थे हरक सिंह। वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, दिल्ली में आज और कल होगा उम्मीदवारों पर मंथन, अमित शाह जेपी नड्डा समेत यूपी के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में टिकट के बंटवारे को लेकर बीजेपी का मंथन, सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा, जल्द हो सकता है ऐलान। किसान नेता नरेश टिकैत से मिले बीजेपी सांसद संजीव बालियान, टिकैत ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी को समर्थन का ऐलान करने के बाद लिया था यू टर्न। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के भाई की पार्टी से बगावत, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे चन्नी के भाई मनोहर सिंह, कांग्रेस की लिस्ट में नाम न आने के बाद बोले बस्सी पठाना सीट से लड़ूंगा। बीजेपी की बैठक में संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी, संजय निषाद ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। 15 से 18 सीटें मिलेंगी हमें। बैठक से पहले यूपी सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा, संतोष अस्पताल के कोविड वार्ड का करेंगे निरीक्षण। सूत्रों के मुताबिक यूपी में किसी भी मौजूदा सांसद को टिकट नहीं देगी बीजेपी, एक परिवार में दो लोगों को टिकट देने से भी इंकार। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, 23 जनवरी के बाद यूपी का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, हर जिले में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी का कांग्रेस एसपी और बीएसपी पर निशाना, ट्वीट कर पूछा सीएम योगी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, बुआ बबुआ और मिसेज वाड्रा किस किस सीट से चुनाव लड़ेंगे जनता को बताएं। शिवसेना नेता संजय राउत का यूपी सीएम योगी पर बड़ा निशाना, कहा योगी को क्या 33 लाशें वोट देंगी। उनको लगता है कि 300 सीटें आएगी तो क्या जाए, गंगा में जो लाशें बहती थी वो आकर उनको हुट करने वाले है क्या। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा समाजवादियों की सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर जातिगत जनगणना कराएंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर प्रहार, कहा हम साथ आए और बीजेपी की जमानत जब्त कराएं। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे, लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए मैं बधाई देता हूँ। विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आज आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे, कहा अखिलेश हमारे मुद्दे उठाएं तो बिना एक सीट के समर्थन को तैयार। यूपी में गुलाबी गैंग की प्रमुख संपत पाल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं संपत पाल, कांग्रेस के टिकट 2 बार लड़ चुकी है विधानसभा चुनाव। यूपी में एकला चलो की राह पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, केसी त्यागी ने कहा हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे, 18 जनवरी को लखनऊ में जेडीयू की बड़ी बैठक होगी। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी की तैयारियां हुई तेज, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस करेंगे गोवा का दौरा। गोवा के लिए बीजेपी 19 तारीख को टिकट के उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी।
संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू का पलटवार। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, आप सरकार में हैं तो कार्रवाई भी आप ही करेंगे। भैया कार्रवाई साधारण आदमी भी जानता है कि सरकार करती है, कार्रवाई कोई पार्टी नहीं करती है ऐसे मामलों में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आज पीएम मोदी का संबोधन। दावोस एजेंडा, शिखर सम्मेलन में कोरोना समेत कई मुद्दों पर कर सकते हैं बात। एमपी के ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एमपी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। शिवराज सरकार कोर्ट में रख सकती है अपना पक्ष। देश में कल के मुकाबले आज कम आए कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 2,58,000 नए मामले, 385 लोगों की मौत। वहीं देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले। देश में अब 8,209 ओमिक्रॉन संक्रमित। दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। तीसरे दिन भी कोरोना के मामलों में आई कमी। टेस्ट की संख्या में भी कटौती जारी। ओडिशा के भुवनेश्वर एम्स में 250 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। कल से ओपीडी सेवा बंद करने का फैसला। 24 घंटे में ओडिशा में कोरोना के रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा नए केस। वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर। देश में इसी साल मार्च तक शुरू हो सकता है 12 से 14 साल तक के बच्चों का टीकाकरण। दी जा सकती है कोवैक्सीन की डोज। महाराष्ट्र के भिवंडी में काजी कंपाउंड में लगी आग। आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान का अनुमान। फायर इंजन की गाड़ियां कर रही हैं आग पर काबू पाने की कोशिश। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।